नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं मिंट वर्मिसली। ये नाश्ते और टिफिन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही मिंट और नींबू का फ्लेवर इसे नॉर्मल वर्मिसली से बहुत ही अलग बनाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा, नमक, पिसा गरम मसाला, लंबे लंबे कटे हुए प्याज, मटर, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। ये है एक बड़ी कटोरी रोस्टेड वर्मिसली। और मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च और हल्दी। इसी के साथ तड़के के लिए हमें चाहिए तेल। इसमें पुदीने का फ्लेवर देने के लिए मैंने ये सूखा हुआ पुदीना लिया है। इसे छाया में सुखाकर हाथ से मसल के डिब्बे में स्टोर कर लिया है। इसी के साथ हमें चाहिएगा कटा हुआ एक नींबू। नई रेसिपी सबसे पहले जानने के लिए वीडियो के नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल का आइकन भी दबाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा चटकाएंगे। जीरे के ब्राउन होने पर हम लंबे लंबे कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे। ये एक बड़ा प्याज मैंने लंबा काट लिया था। इसी के साथ 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, ये भी हम इसे प्याज के साथ ही सौटे करेंगे और इनको हल्का ब्राउन होने तक हमें सौटे करना है। जिस समय हमारे प्याज और लहसुन भुन रहे हैं तो प्याज को जल्दी भूनने के लिए हम इसमें 3/4 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। नमक डालने से प्याज का पानी निकल जाएगा और ये जल्दी भुन जाएंगे। इसी के साथ गरम मसाला भी तेल में अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ देगा। तो ये हमारे गरम मसाले में प्याज और लहसुन सौटे हो चुके हैं। अब हम छिले हुए मटर के दाने इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ आप इस समय इसमें गाजर, गोभी या कोई भी अपने पसंद की सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। मटर और सब्जियों को थोड़ी देर हमें सौटे करना है। उसके बाद 4 बड़े टमाटर बारीक काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इसे टमाटर को टेंडर होने तक पकाना है, साथ ही मटर और हमारी सब्जियां भी इसमें गल जाएं। जब ये टमाटर पक रहे हैं तो हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इसको भी हम हिलाते मिलाते हुए इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें सब्जियों के पकने तक और टमाटर के टेंडर होने तक इसे ढक के पकाना है। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, हम अपना ढक्कन खोल के देख लेते हैं। जी हाँ, मटर अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर भी पूरा गल के मसाले के साथ मैश हो गया है। तेल हमारा सतह के ऊपर आ गया है तो हमारा मसाला बिल्कुल पक के रेडी है। अब हम इसमें 1.5 बड़ी गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारी वर्मिसली को पकाएगा। जब पानी में 1 उबाल आ जाए तो हम जो हमारा 1 बड़ा कटोरी वर्मिसली है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये रोस्टेड वर्मिसली है। अगर आपके पास में रोस्टेड वर्मिसली ना हो तो आप कढ़ाई में पहले थोड़ा सा तेल डाल के वर्मिसली को हल्का ब्राउन होने तक भून लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। अब हम इसे ढक के पानी सूखने तक पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ पुदीना ऐड कर देंगे। ये पुदीने की पत्तियों को धो के छाया में सुखा के हमने पीस लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज वर्मिसली तैयार है। अब हम इसे सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं और इसे हम लेमन वेजेस और कटी हुई हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। अब इस वर्मिसली में हम 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करेंगे।